Anyways, on this very note, I would like to welcome one and only Nitin Anand. A big round of applause for Nitin Anand. आइए मैं हूँ, आई एम नितिन आनंद। तालियां थोड़ा बजा सकते हैं आप लोग। और बॉर्डर के देखिए मार्क्स कितना लेके आते हैं। मार्क्स 90% 100% हमारे जमाने में तीन भाइयों का मिला के इतना होता था। पर कमिटमेंट कर दिया। एक लड़का फेल हो गया, डैडी को गुस्सा आ गया, नालक तू फेल हो गया। वो सामने लड़की रहती है, देखो फर्स्ट आई है, तू लड़की को देख फर्स्ट आई। लड़के ने बोला क्या देख, उसको देख के मैं फेल हो गया बापू। मेरा कोई नहीं सुनता सर। बहुत हम लोग एडिक्ट हो गए मोबाइल के, बगैर हम कुछ नहीं कर पाते। सेलफोन इतना इंपॉर्टेंट है, जब आदमी का सेलफोन गुम हो जाता है ऐसा लगता है उसके शरीर से आत्मा निकल गई। अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया, आदमी पागल हो जाता है मोबाइल के बगैर। एक लेडी का पता नहीं देखिए मोबाइल फोन जो है ना गटर के अंदर चला गया, वो टेंशन में आ गई। ओह माय गॉड, मेरा मोबाइल फोन गटर के अंदर, ओह माय गॉड, इसको निकालो, 35,000 का मोबाइल निकालो। मोहल्ले वाले आ गए, मोहल्ले वाले, भाभी जी क्या हुआ, भाभी जी अंदर गटर, भाभी जी गटर में आपका हस्बैंड है, मालूम है उनके जेब के अंदर मोबाइल है। थैंक यू गॉड, जैसी पांडे जी तालियां, थैंक यू। हंसना बहुत जरूरी है। और आजकल आपको पता है लंदन में मैडम तुषार, पता है आपको वैक्स का म्यूजियम है लंदन में, तो लोग आते हैं, हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज अमिताभ बच्चन से लेके सचिन तेंदुलकर सबके वहां पे स्टैच्यू लगा हुआ है वैक्स का, तो लोग मेजरमेंट लेने के लिए आते हैं। नरेंद्र मोदी साहब का हाल ही में स्टैच्यू लग गया, मोदी साहब का, तो लोग आए मेजरमेंट लेके गए, स्टैच्यू लगा दिया, बना दिया। हमारे जो सोनिया जी, सोनिया मैडम, उन्होंने लंदन में फोन लगा दी, हेलो आपने मिस्टर मोदी का स्टैचू लगाया, एक काम करेंगे आप हमारे मनमोहन सिंह साहब का भी स्टैचू लगाइए, वो भी कभी पीएम थे उनका भी लगाइए। वो लोग आए मेजरमेंट लेने के लिए, मेजरमेंट लेके वापस गए, तो यहां से इन्होंने फोन किया सोनिया जी ने, क्या हुआ आपने क्यों, ओ नो हम लोग स्टैचू का स्टैचू नहीं बनाते। अच्छा ये एक्टर लालू जी, इनको इंग्लिश बोलने की बहुत आदत होती है, इंग्लिश गुजार देते हैं बीच में। एक बार वो फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, फ्लाइट में अपनी वाइफ राबड़ी देवी जी के साथ, एयर होस्टेस आई उनके पास खाना लेके, एयर होस्टेस, डिनर का टाइम था, एयर होस्टेस आई, हेलो गुड इवनिंग लालू जी, डिनर का टाइम है, खाने में आप क्या लेंगे, अरे जो भी अच्छा हमको खिलाइएगा। ओके लालू जी डिनर रेडी है, एक बात बताएंगे आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन, हम पार्लियामेंटेरियन हैं। नहीं, व्हाट आई मीन इज सर आप मांसाहारी या शाकाहारी या बिहारी हैं, अरे इतना फेमस है हम, आप कितने समय से इस एयरलाइंस में काम कर रही है, सर एक्चुअली नो इस एयरलाइंस में ना आई एम टेम्पररी, कोई बात नहीं हम आपको प्रेग्नेंट कर देंगे। अब बताइए बगल में उनकी वाइफ कितनी भड़क गई होगी, गुस्सा आ गया, बट कुछ भी बोलते रहते हैं, आपको इंग्लिश आती नहीं है, आप कुछ भी बोलते हैं, आप इंग्लिश सीखिए, आगे चलिए पीएम बनना, इंग्लिश सीखिए, आप एक काम कीजिए अमेरिका जाइए जॉर्ज बुश के पास, वहाँ इंग्लिश सीखिए। इंग्लिश सीखने के लिए लालू जी अमेरिका चले गए, 2-3 साल वापस नहीं आए, उनकी वाइफ ने यहाँ से उधर फोन लगा दी, हेलो मिस्टर जॉर्ज बुश, यस दिस इज बुश हियर, हु इज दिस, हम मिसेस लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं, अच्छा हमारा जो मिसेस लालू प्रसाद यादव, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन, अच्छा एक बात बताइएगा हमारा जो ललवा है तुम्हारे पास इंग्लिश सीखने के लिए गया, वो इंग्लिश सिखाई कि नहीं, वहां से जॉर्ज बुश बोलने लगा वो ससुरा हबीब इंग्लिश ना सीखेगा। बोला भाई कौन है यार उल्टी कर रहे हैं वहां। अभी बैंक में देखिए एक गौर से सुनेंगे आप लोग, लंच का टाइम था, लंच, एक आदमी कैश विड्रॉ करने आया, लंच का टाइम कैश विड्रॉ करने आया, आदमी लंच कर रहा था उसको पैसे नहीं मिला, दिया नहीं उसने कैशियर ने, देखिए मुझे कुछ कैश, नो मैं लंच कर रहा हूँ बाद में आइए, अरे मैं लंच कर रहा हूँ यार, मैं हैविंग मे डिनर, बाद में आइए यार, एक आधे घंटे के बाद आ जाइए, उसको भगा दिया।
उसको कैश नहीं मिला क्योंकि कैशियर लंच कर रहा था। अब देखिए एक लेडी अंदर आती है तो कितना चेंज होता है लेडी। जैसे वो लेडी अंदर आई, एक्सक्यूज मी, यस, खाना वाना छोड़ दिया उसने। देखिए ना, मुझे कुछ कैश विड्रॉ करना है, लेकिन लंच टाइम, नो प्रॉब्लम, लंच टाइम में तो क्या है, अरे ड्यूटी है, लंच टाइम में तो क्या हुआ, नो प्रॉब्लम, ऐसी बात नहीं है, कभी साथ में बैठ के लंच करेंगे, नो प्रॉब्लम। उसको उसने कैश दे दिया और जिस आदमी को भगाया था ना वो वापस आ गया। उसको देख के कैशियर बोला, चुप है, लंच टाइम, लंच टाइम, जिसको तूने कैश दिया ना मेरी वाइफ है, उसको लेने आओ, कम ऑन डार्लिंग। सिचुएशन चेंज हो गया पूरा। क्या होता है, ऋतिक रोशन, ऋतिक, थैंक यू माँ, आज दिवाली है माँ, मैं फटाका खरीदना चाहता हूँ माँ, सामने जो बिल्डिंग है वहां से फटाका खरीदूंगा, वहां से मुझे फटाका चाहिए माँ, उस बिल्डिंग से फटाका चाहिए। माँ बोली, चुप, वो लेडीज हॉस्टल है। अच्छा, इसलिए पापा हमेशा बोलते हैं वहां पे बहुत सारे फटाके हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय। मेरा कोई नहीं सुनते सर, धन सेफ वेल, अरे व्हाट ए सेलिब्रेशन यार, इतने सारे लोग यहां पर आए हर सिटी मॉल में, कितना अच्छा लग रहा है। अगर मुझे मालूम होता तो करीना को भी साथ लेके आता, मैं मजाक नहीं करूं, सीरियस यार। बोला भाई कौन है यार, उल्टी कर रहे हैं वहां।